हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी पार्ट सेकंड। तो शुरू करने से पहले वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन बिफोर यू वॉच द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी पार्ट सेकंड। सो इफ देयर इज जीरो बॉन्ड ऑर्डर देन नो एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर जीरो बॉन्ड ऑर्डर होता है तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हीलियम टू नियॉन टू। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी करते हैं बी टू का। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बी टू की क्या होती है? बी की होगी 2 1s2 2s2 2p3 होगी फ्रेंड्स। तो अगर हम बी टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सिग्मा 1s2 हो गया, सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, सिग्मा 2s2 हो गया फ्रेंड्स, सिग्मा स्टार 2s2 हो गया, पाई 2px1 हो गया और पाई 2py1 हो गया। अब हम नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था 1s से स्टार्ट नहीं करते हैं, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो 2s से स्टार्ट करा तो 2s2 हो गया, 2p1 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिग्मा 2s हो गया और सिग्मा स्टार 2s हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी स्पिन क्रॉस ओवर रूल से कि बॉन्डिंग में ज़्यादा बॉन्डिंग का कैरेक्टर आ जाता है और एंटी बॉन्डिंग में कम कैरेक्टर आ जाता है। तो 2pz ऊपर चले गया फ्रेंड्स और पाई 2px पाई 2py नीचे आ गए। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे 10 हो गए। तो 4 हम पहले ही भर चुके हैं, 5 6 7 8 9 10 हो गए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे नीचे हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए फ्रेंड्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। ओके फ्रेंड्स, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक होने के साथ ही ये डायरेडिकल हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो बी टू, तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की गिनते हैं 2 4 5 2, यहाँ पर 2 हो गए और 4 हो गए, 4 माइनस 2 हो गया, तो 4 माइनस 2 हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो बी टू का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और मजे की बात इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो दो और दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई ऑर्बिटल्स में हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना तो जो एक बॉन्ड होता है बी टू में वो पाई बॉन्ड होता है। देखिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2। ओके फ्रेंड्स, तो C2 में क्या हो गया, सिग्मा 1s2 हो गया, सिग्मा स्टार 1s2 हो गया, सिग्मा 2s2 हो गया और सिग्मा स्टार 2s2 हो गया, पाई 2px हो गया, पाई 2px2 हो गया और पाई स्टार 2px2 हो गया। और इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग भी हो सकती है, के नॉट के के इज ए काला कौवा, काला कौवा नहीं होगा फ्रेंड्स, के हो गया, के सब शेल हो गया, के शेल हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो सिग्मा 1s के लिए होता है और ये सिग्मा 1s2 है, तो के और के डैश भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल एग्जामिनर अलग से देता है कि के लिख देगा, कंफ्यूज कर देगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको पता ही है सिग्मा जो होता है वो जीराड होता है और सिग्मा स्टार अनजीराड होता है, तो इस ऐसे करके भी देगा, सिग्मा जीराड 2, सिग्मा अनजीराड, स्टार अनजीराड 2 और पाई अनजीराड 2। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम मोलिकुलर और बैटल डायग्राम की स्टडी करते हैं, सी हो गया तो ये 2s2 हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की गई है, ये यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, ये पाई 2px में इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पाई ऑर्बिटल्स में, दैट्स व्हाई इट इज 2। तो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग है ये तो फ्रेंड्स लोन पेयर्स हो गए, तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग है पाई ऑर्बिटल्स में फिलिंग है, इसलिए कार्बन C2 में जो डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड, उसमें दोनों पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 2, तो बॉन्डिंग में देखिए फ्रेंड्स 2 4 6 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। ओके फ्रेंड्स, तो 2, तो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं इसमें, 2 के 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। वो पहले कहा जाता था ना कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, 2 पाई बॉन्ड होते हैं इसमें C2 में। अब अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और जोड़ देते हैं तो ये एलाइड हो जाएगा, कार्बन का एसिटिलाइड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आएंगे देखिए फ्रेंड्स, तो वो किस में आएंगे फ्रेंड्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, वो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब फिर अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो अब ये 3 हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम यहाँ पर, तो 2 4 6 8 2 4 6 8 8 माइनस 2
डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, तो एसिटिलाइड हो गया, तो 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गेट में बहुत बार क्वेश्चन, दो बार क्वेश्चन आया है कि विच इज होमो इन एचएफ, एचएफ में होमो बताइए, ने हाईएस्ट मोल ऑर्बिटल, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछा था एचएफ में। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी मच हाई देन हाइड्रोजन, तो दैट्स वाई 1s, 2s और 2p ऑल आर लोअर इन एनर्जी देन दैट ऑफ 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके फ्रेंड्स, गेट में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो विच इज द हाइएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल इन HF, तो अगर हाइएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल की बात पूछे यानी हो आओ, तो इन दिस क्वेश्चन नॉट आस्किंग अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हेंस हाइएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल ऑफ होआओ, हाइएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल को होआओ भी कहते हैं, इज नॉन बॉन्डिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम होमो ऑफ एचएफ की बात करते हैं तो बॉन्डिंग में आता है, अभी हम स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एचएफ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी करने से पहले दो बातें हमें देखनी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि फ्रेंड्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और ABMO होता है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो टाइप का होगा, सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई होगा, और ABMO में सिग्मा स्टार और पाई स्टार होगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पता ही है, जीराड होगा, सिग्मा जीराड होता है, पाई स्टार पाई अनजीराड होता है, फिर सिग्मा स्टार अनजीराड होता है और पाई स्टार जीराड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर HF का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टडी करते हैं, तो आपको ये पता ही है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं तो उनमें बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा आता है, इसलिए वो नीचे लिखे जाते हैं क्योंकि उसमें बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाता है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो ऊपर लिखे, तो 1s में वो दो इलेक्ट्रॉन हो गए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और होमो ऑफ HF में यहाँ पर 2s हो गए, तो ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, और 2p 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स बट गए, तो ये नॉन बॉन्डिंग हो गया, नॉन बॉन्डिंग हो गया, और ये बॉन्डिंग हो गया, और ये बॉन्डिंग हो गया, ये फिर नॉन बॉन्डिंग हो गया, और ये तो हो आओ, अगर पूछे, अगर बात करे हो आओ यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो नॉन बॉन्डिंग हो गया, अगर करे होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल की, तो फ्रेंड्स किस में होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट करते हैं, वेयर NB को मैंने नॉन बॉन्डिंग से डिनोट किया है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की स्टडी करते हैं CO, जो कि बहुत एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, कई बुक्स में गलत भी दिया है, बट मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम ओल्ड व्यू की बात करते हैं तो ओल्ड व्यू में आपको पता ही है इसमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो कितने आते हैं फ्रेंड्स, कार्बन में 6 होते हैं और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 और 6 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो हम कैसे स्टडी करेंगे इसका, तो 14 हो गए, 14 के बाद या 14 के बाद क्या, 14 के बाद तो करते हैं कि स्पिन क्रॉसओवर रूल नहीं लगता, पर 14 तक स्पिन क्रॉसओवर रूल लगना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर हम इसका स्टडी, इसका हमने स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिनोट किया है। देखिए फ्रेंड्स, दो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन में भर दिए और मैंने ऑक्सीजन को मैं के ऑर्बिटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने नीचे बनाया है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो उसमें बॉन्डिंग कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इन जनरल हमने सिग्मा, तो हमने स्पिन क्रॉस ओवर रूल लगाया तो सिग्मा 2pz ऊपर चले गया। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 2, 4, 6, 8, 8 - 2, 6 / 2 तीन बॉन्ड ऑर्डर आता है। ओके फ्रेंड्स, तो बॉन्ड ऑर्डर, बट फ्रेंड्स उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, द डोनर एबिलिटी एंड बॉन्ड लेंथ। तो इस वाले ओल्ड व्यू से द डोनर एबिलिटी एंड बॉन्ड लेंथ आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द अबो डायग्राम। इस डायग्राम से ना तो डोनर एबिलिटी प्रूफ हो पाई थी और ना ही बॉन्ड लेंथ, तो इसलिए हेंस डायग्राम रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इसके बाद अगला आया था कुलजन एक साइंटिस्ट था, उसने अपना मॉडिफिकेशन दिया। उसने क्या चीज करी, जो कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर कर्नल यानी शेल को डिनोट करता है, तो ये से एस 1s के लिए हो गया, 1s 2 हो गया, फिर 2s और 2p 3 2p 2 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसने क्या करा, इसने यही हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया यहाँ इसने, तो ये क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन कराया और 2p एक सिंगल और इस और ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। ऐसे इसने ऑक्सीजन का करा, K4 काला, K4 केशल हो गया, फिर 2p 2s2 हो गया और फिर 2p 5 हो गया। ओके फ्रेंड्स, 2p 4 हो गया, तो यहाँ पर के ऑर्बिटल के शेल हो गया। फिर इसने यहीं पर इसका sp हाइब्रिड करवा दिया, इसने हाइब्रिडाइजेशन यहीं पर करवा दिया, फिर उसके बाद 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स करा। अब इसने यहाँ पर
अलग से इसका क्या क्या तैयार करा इसने, इसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम तैयार किया। तो ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस टाइप से है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से समझिए आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है या sp कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गया, और जो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो इसका होगा ये सबसे ऊपर चले जाता है, सिग्मा स्टार sp हो जाता है फ्रेंड्स, और जो sp ऑक्सीजन को होगा वो इस पर, ये यहाँ से यानी sp कार्बन का और sp ऑक्सीजन का आपस में शेयर करके ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, सिग्मा sp हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन के जो 2p जो अनहाइब्रिडाइज थे वो इधर आ जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, जो अनहाइब्रिडाइज थे और वो 2p के साथ कंबाइंड होकर पाई ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तीन इसके हो गए, एक इसका हो गया, ये दो हो गए। अब जो सिग्मा sp जो कार्बन के थे वो नॉन बॉन्डिंग कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो अनहाइब्रिडाइज थे, ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, जो इसका मैंने हाइब्रिडाइज्ड करवा दिए थे तो ये नॉन बॉन्डिंग हो जाते हैं। तो इसमें ये लोन पेयर ऑफ कार्बन हैविंग एंटी बॉन्डिंग, तो इन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर आ जाता है और यही होमो कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कुलजन ने अपना मॉडिफिकेशन दिया, ये काफी हद तक मतलब सही साबित हुआ इसका जो मॉडिफिकेशन था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का था, यानी ये हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो sp के नॉन बॉन्डिंग थे वो आके मतलब ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों बिल्कुल सीधे जाके नॉन बॉन्डिंग हो जाएंगे। दैट्स वाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन हो गए, या एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन था। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर बता देखते हैं तो 6, यानी दो इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन ये, तो 2 6 - 0 / 2, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, तो ये काफी हद तक सही था। बट फ्रेंड्स, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यानी मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO इसको कंसिडर किया जाता है, यही बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के ले रहे हैं और यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के ले रहे हैं, तो हमने वो 1s को कंसीडर नहीं कराया, यहाँ पर 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दो पहले भरे हैं, तो दो दो चार हो गए और दो छह हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो सिग्मा 2s का जो एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर है वो ये कूद के ऊपर चले जा रहा है, सिग्मा स्टार 2s, ये तो यही होमो होता है, और इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है, जिससे बॉन्ड ऑर्डर भी सेम सही आता है, और बॉन्ड लेंथ और जो फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ आनी है और जो डोनर एबिलिटी बाय एक्सपेरिमेंटली काफी हद तक मैच हो जाती है, इसलिए फ्रेंड्स यही आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में यही डायग्राम कंसीडर किया जाता है, जिसमें सिग्मा 2s का जो एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर वो सबसे कूद के ऊपर चले जाता है, और यही कार्बन का डोनर एबिलिटी शो करता है, और एंटी बॉन्डिंग और जो सिग्मा एक्सेप्टर होता है वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट किए जाते हैं, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए बेटर सिग्मा डोनर एंड ए बेस्ट सिग्मा एक्सेप्टर पाई एक्सेप्टर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम होमो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो सिग्मा स्टार 2s में होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रहा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक डायमैग्नेटिक है। ओके फ्रेंड्स, एक डायमैग्नेटिक क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में है, पेयरिंग में, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक डायमैग्नेटिक। अगर हम CO प्लस की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलता है। ओके फ्रेंड्स, ना कि बॉन्डिंग से, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, तो 8 - 2 / 2, तो 3 हो गया फ्रेंड्स। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव का करते हैं तो 8 - 1 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स नॉन बॉन्डिंग से ही निकलेगा, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, तो 8 - 1 / 2, तो 3.5 आ जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली बहुत हद तक, काफी हद तक बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इसी को ही कंसिडर किया जाता है। तो सिग्मा कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड सिग्मा डोनर बिकॉज इट डोनेट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिग्मा स्टार 2s। ओके फ्रेंड्स, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज पाई एक्सेप्टर होता है। पाई एक्सेप्टर क्यों होता है, बिकॉज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स
इन पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम समझते हैं पॉलीएटॉमिक स्पीशीज। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने HCF2 का एग्जांपल लिया है, तो इसमें क्या होंगे, फ्लोरीन के 2PZ कंसीडर किया जाता है 2PZ, और जेनोन का हो जाता है 2,5PZ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने Psi1, Psi2, Psi3 में कंसिडर किया है। तो Psi1 इसका ऑर्बिटल, इसका मॉलिक्यूलर, इसका मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, इसका वेव फंक्शन हो गया, Psi2 हो गया और Psi3 हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, Psi1 जो होगा प्लस हो गया, प्लस हो गया, अगर माइनस है तो माइनस है। अगर मैंने आपको पहले बताया, अगर फेस सेम है तो क्या होगा फ्रेंड्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा, BMO होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर फेस डिफरेंट है और फिर जाके फेस सेम होगी। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि फेस डिफरेंट हो और फिर अगली फेस सेम हो जाए, तो नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब अगर फेज डिफरेंट हो, जैसे ये माइनस है फिर ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, तो ABMO है, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दो फ्लोरीन के हैं, फ्लोरीन के एटम्स, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम चले जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये नीचे दिखाई गई है मैंने, और जेनोन का, जेनोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो मैंने ऊपर दिखाई गई है उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन टाइप से हो गया फ्रेंड्स, ABMO दिखाया मैंने, NB दिखाया है और BMO दिखाया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर होमो हो गया और यहाँ पर हो आओ, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, हाइएस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हाइएस्ट ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, नॉन बॉन्डिंग के हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाने हैं, तो ये दो फ्लोरीन के हो गए और जेनोन का हो गया, ये यहाँ पर BMO हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग यानी ये है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ जेनोन HCF2 का, अगर मैं करता हूँ तो दो दो बॉन्डिंग में हो गए, तो 2-0/2 तो 1 हो गया, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आया। ओके फ्रेंड्स, अगर तो HCF2 में अगर 1 HC और F का करते हैं तो हाफ बॉन्ड ऑर्डर कंसिडर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर और MOT में हाफ मॉलिक्यूलर, हाफ बॉन्ड ऑर्डर कंसिडर किया जाता है, बट अगर हम ओवरऑल को ले रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ HCF2 का 1 लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बनाता रहूं। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।